एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पहला न्यूमेरिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ऑल्टीट्यूड वाला, हाइट वाला, याद है हाइट पहली डेरिवेशन की थी, तो हाइट की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जी वन माइनस टू एच बाई आर। हाइट आपको 400 किलोमीटर की बना है, रेडियस 6400 किलोमीटर पता है, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आंसर 8.5। अब कोई कहता है कि मेरे को नहीं पता लगा कि 400 किलोमीटर बड़ा होता है कि छोटा होता है, तो मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया, याद है एक्चुअल फॉर्मूला, मैंने शॉर्टकट नहीं यूज किया, एक्चुअल यूज किया, तो जब उसने यूज किया तो आंसर 8.6। बहुत वेरिएशन नहीं है, तो बेटर है कि हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लें। पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये हाइट 1400 किलोमीटर होती फिर नीचे वाला और ऊपर वाले में आंसर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता, आपका आंसर सही नहीं माना जाता, फिर आप ऊपर वाला ही यूज करें। 200, 400, 500 तक ऊपर वाला यूज करने चलेगा, 1000 से ऊपर मत करना, फिर नीचे वाला यूज करना। क्लियर है यहां तक? रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये, हाइट किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया ना। अब क्या निकालनी है? हाइट h, हाइट h निकालनी है सच दैट उस ऑल्टीट्यूड पे, तो फॉर्मूला ऑल्टीट्यूड वाला लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाती है? 64% ऑफ जी। एक बात बताओ, 64% ऑफ जी बहुत बड़ी अमाउंट है कि छोटी है? छोटी है, ठीक है, तुम मुझे 10 लाख रुपया दो, मैं 64% काट के दे देता हूँ, छोटी सी अमाउंट, बाकी आपकी। नहीं नहीं, बड़ी है, बड़ी है यार, बड़ी है, ठीक है, सो 64% छोटी नहीं है, 64% बड़ी है, तो यानी कि आप बहुत हाइट अटेन कर चुके हैं इसका मतलब, ठीक है, तो आप शॉर्टकट मत लगाएं ऑल्टीट्यूड का, आप एक्चुअल फॉर्मूला लगाएं। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्यों डिसाइड कर रहे हैं छोटी या बड़ी? क्योंकि ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला कौन सा लगाना है शॉर्टकट में, आपका आंसर वेरी करेगा, क्योंकि 64% काफ़ी बड़ी अमाउंट है जो चेंज हो चुकी है, तो आप बहुत हाइट अटेन कर चुके हैं, तो आप इस फॉर्मूले में जी डैश को लगाएं 64%, तो जी से जी कैंसिल, अंडर रूट लें, सॉल्व करके आर बाय फोर, आर क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो हाइट की वैल्यू 1600 किलोमीटर, जो कि छोटी अमाउंट नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है कि कैसे ये फॉर्मूला लगेगा? ठीक, ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूले दो फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कौन सा कब लगाना है, फिर ये फॉर्मूला आपको कभी गलत आंसर देगा, ये हमेशा सही आंसर देगा। वैसे 99% ऊपर वाला यूज़ होता है, शॉर्टकट यूज़ होता है, क्योंकि हाइट्स बहुत ज़्यादा गिवन नहीं होती, 200-400 किलोमीटर पर ही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेट ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस, अर्थ की सरफेस पे वेट 250 न्यूटन है, एक्चुअल वेट, क्या करना है आपको? वेट निकालना है जब डेप्थ कितनी है r बाय फोर, यानी कि आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे डेप्थ का, तो डेप्थ का फॉर्मूला क्या है? जी डैश इज जी इंटू वन माइनस एक्स बाई आर, वेर एक्स इज द सरफेस से कितनी डेप्थ आप नीचे आ चुके हो। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इसके अंदर एक काम करते हैं, एक्चुअल वेट आपको कितना गिवन है 250, एक्चुअल वेट का मतलब सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्चुअल जी मानते हैं 250, तो आपको क्या निकालना है? अपरेंट वेट निकालना है डेप्थ पे जाके। एक काम करो, दोनों साइड्स को एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम और एम मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल वेट है ये, डेप्थ के ऊपर वेट है, तो एक्चुअल वेट कितना है 250, एक्स की वैल्यू कितनी है आर बाई टू, एक्स की जगह आर बाई टू, सॉल्व करो, आंसर क्या आ गया 125 न्यूटन। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, डेप्थ में फॉर्मूला कैसे लगेगा और हाइट में फॉर्मूला कैसे लगेगा? डेप्थ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि डेप्थ में दो फॉर्मूले है ही नहीं, डेप्थ में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट डेप्थ एक्स 16 किलोमीटर, फिर से डेप्थ का फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू 16 किलोमीटर है, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ द बॉडी, तो ऑब्वियसली जी चेंज हो जाएगा डेप्थ पे जाके, जी चेंज होगा तो एम जी चेंज हो जाएगा, वेट चेंज होगा, परसेंटेज चेंज इन वेट निकालो। जब आप सरफेस पे थे तो वेट कितना था एम जी, जब आप डेप्थ पे चले गए तो वेट कितना है एम जी डैश, और सरफेस पे एक्चुअल कितना था एम जी इंटू 100, ये आपको निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन वेट समझ रहे हो कैसे? ये आपका सरफेस का वेट है, ये नीचे जाके वेट है, और ये सरफेस के ऊपर वेट है इंटू 100, तो एम 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 कैंसिल, ये टर्म आ गई। अब डेप्थ के ऊपर फॉर्मूला ये लगता है, इसके अंदर एक्स कितना गिवन है 16, आर कितना है 64, तो यहां से सॉल्व करके जी डैश और जी का ये रेशियो आ गया। क्लियर है यहां तक? तो आपको जी डैश और जी का रेशियो आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको ये निकालना है, जी बाई जी क्या होता है 1 माइनस जी डैश बाई जी, जी डैश बाई जी की वैल्यू ये रही, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज चेंज इन वेट आ जाएगा।
मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है, उसने कहा कि डेप्थ पे जाके वेट में कितना चेंज है ये निकालना है। सरफेस के ऊपर वेट कितना है mg, डेप्थ पे जाके वेट कितना है mg डैश, एक्चुअल वेट कितना है mg इंटू 100। ये पॉइंट क्लियर है क्या निकालना है? mm कैंसिल, क्लियर है? तो क्या निकालना है, g माइनस g डैश बाई g इंटू 100, ये निकालना है, क्लियर है? g बाई g क्या है 1, g डैश बाई g इंटू 100 ये निकालना है, क्लियर है? तो अगर मैं ये रेशियो दे दूं आंसर आ जाएगा। तो इस रेशियो के लिए ये फॉर्मूला लगा लिया डेप्थ वाला, x की वैल्यू पता है, r पता है, सॉल्व करके g डैश में g आ गया, राइट? तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखें, वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर अर्थ है और मून है, अर्थ है और मून है, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस हमें पता है r कितना है, राइट? अर्थ में और मून में डिस्टेंस पता है 3.8 × 10⁸। आपको ये बताना है इस डिस्टेंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस हो किसी मास को। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो अर्थ है, मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ मून। अब एक चीज बताओ, अगर आप अर्थ की सरफेस से रॉकेट उठा के ऊपर जाओ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की वजह से कम होती जाएगी, और मून तो बहुत दूर है, अभी मैं उड़ा ही हूं, अर्थ को छोड़ ही रहा हूं सरफेस को, तो मून भी मुझे खींचता है पर अर्थ ज्यादा तेज खींचती है, तो मैं अर्थ की तरफ रह जाता हूं। पर जैसे जैसे मैं अर्थ से दूर जाऊंगा मून की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, अर्थ की कम होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा इस मास ऑफ रॉकेट एम ने लेते हैं, जहां पर अर्थ इस मास को खींच रही है, मून इस मास को खींच रहा है, और दोनों बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, और नेट फोर्स इस मास पे क्या हो जाएगी, जीरो। तो क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, स्मॉल आर गिवन है, और आपको निकालना है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, मान लो ये डिस्टेंस कितना है एक्स, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना है आर माइनस एक्स, ये आपको निकालना है, आर आपको गिवन है। समझ में आ रहा है यहां तक? और लॉजिक क्या लगेगा, लॉजिक वही लगेगा कि अगर ये अर्थ है, अर्थ इसे खींच रही है, राइट, अर्थ इस मास को खींचेगी अपनी तरफ, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ जी, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ रॉकेट बाय एक्स का स्क्वायर। क्या स्टेप क्लियर है, जी एम आर एम टू बाय एक्स पर, क्लियर है? उसी तरीके से मून भी इस मास को खींच रहा है, बाय अ फोर्स ऑफ जी, मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ रॉकेट अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगी ना, अर्थ ने भी लगा दी उधर से मून ने भी लगा दी। तो मान लो ये वो पॉइंट है जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल फोर्स लगा रही हैं, तो इन्हें इक्वल कर दें, इक्वल करके मास ऑफ रॉकेट जो एज्यूम किया था अपने आप कैंसिल, तो आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो ऐसी इक्वेशन मिलेगी, देखो मास ऑफ रॉकेट कैंसिल, जी से जी भी कैंसिल, आपको क्वेश्चन में मास ऑफ अर्थ पता है, मास ऑफ मून पता है, आर पता है, कैलकुलेशन बड़ी जरूर है पर एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं कि नेट फोर्स जीरो कैसे करनी है, क्लियर है? ठीक है यहां तक? स्मॉल जी की, स्मॉल जी चाहिए नहीं ना हमें, हमने फॉर्मूला कैपिटल जी वाला यूज कर लेना है, डिफरेंट रहता है। अभी क्या है, जैसे सपोज सामने मून है और ये अर्थ है, तो अभी तो अर्थ ने मेरे को खींच के रखा हुआ है, तो धीरे धीरे मैं आगे जा रहा हूँ रॉकेट से, तो अर्थ मुझे कम दूर की खींचेगी, जी कम हो जाएगा और मून का जी बढ़ जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर बराबर फोर्स से खींचेंगी, तो जब वो बराबर खींचेंगी वहाँ नेट फोर्स जीरो। जैसे मान लो अर्थ से रॉकेट गया, अर्थ से रॉकेट गया और मार्स पे जाना है, तो प्रॉब्लम किसकी होती है, फ्यूल की प्रॉब्लम होती है, फ्यूल कम, हम कम से कम यूज़ करें, यही होता है मेन। तो होता क्या है कि अर्थ से रॉकेट को छोड़ देते हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को अगर कवर करना है तो रॉकेट का फ्यूल तो यूज होना ही होना है। फिर होगा क्या, अर्थ का पुल कम 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 होता रहेगा, फ्यूल उतने कम यूज होगा ऊपर जाके, फिर वो मार्स के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाएगा कभी ना कभी, फिर उसको फ्यूल की जरूरत क्या है, रॉकेट बंद कर दो ना, फिर तो अपने आप ही गिरता जाएगा ऊपर उसके, तो
तो मतलब कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा जब एक प्लैनेट का पुल खत्म होगा और दूसरे का शुरू होगा, तो नेट फोर्स वहां पर क्या हो जाएगी? जीरो। तो इमेजिन कर पा रहे हो कुछ ऐसा है। जी बाई सिक्स होता है वो तो सरफेस पे होता है, मून के सरफेस के ऊपर जी बाई सिक्स होता है। अभी हम तो हवा में बात कर रहे हैं, रॉकेट हवा में, अभी तो एक ऐसा पॉइंट आ गया जब हवा में ही रॉकेट मून, मान लो ये दीवार मून है और ये अर्थ है, और ऑब्वियसली अर्थ से मैं काफी दूर आ चुका हूं, तो मून मुझे ज्यादा खींच रहा है और अर्थ कमजोर। तो मान लो अर्थ ने फोर्स लगाई 10, मून ने लगाई 10, अब मेरे ऊपर नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। मैं यहाँ खड़ जाऊँ यहाँ पे, तो ना मैं इधर गिर रहा हूँ ना मैं हल्का सा हिलूंगा, फिर ये तो ये प्लैनेट खींच लेगा। अगर मैं इधर हिल गया तो ये खींच लेगा, मैं नहीं हिलूंगा, नेट फोर्स जीरो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कैसे करना है समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सोचना कैसे है? क्वेश्चन है कि टोटल मास ऑफ द बॉडी कैपिटल एम है, टोटल मास किसी बॉडी का कैपिटल एम है, और उसको दो हिस्सों में तोड़ना है आपने, और आर डिस्टेंस दूर रख देना है तोड़ के। आपको यह बताना है कि मैं जो हिस्सा तोड़ूंगा, मतलब कैसे तोड़ूं, एम रेशियो क्या होगी दो हिस्सों की, 1:2, 1:1, कैसे, ताकि फोर्स उनके बीच में हिस्सों में मैक्सिमम रहे। अच्छा, इजी लैंग्वेज में सपोज करो आपके पास एक मास है 10 kg, आपने इसको ब्रेक करना है, ठीक, ब्रेक करना है और आर डिस्टेंस अपार्ट रख देना है। तो आप दो टुकड़े कैसे करें 10 kg के, ताकि फोर्स दो टुकड़ों में मैक्सिमम रहे। अब एक स्टूडेंट कहता है मैं इसको तोड़ूंगा 1 kg में और 9 kg में, दूसरा कहता है तोड़ूंगा 2 kg में और 8 kg में, 3 kg में और 7 kg में, 4 kg में, 6 kg में, 5 kg में, 5 kg में, और ऐसे 6 kg में, और ऐसे रिपीट हो जाएगा ये तो सेम। तो सब आर डिस्टेंस अपार्ट है। अब जो फोर्स होती है अट्रैक्शन, दैट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। तो जिनका प्रोडक्ट मासेस का बड़ा होगा वही आंसर होगा, फोर्स मैक्सिमम है। जैसे पहले केस में प्रोडक्ट m1 m2 का कितना आएगा, कितना आएगा 9, दूसरे केस में क्या आएगा 16, तीसरे केस में 21 24 25 24 and so on। तो सबसे मैक्सिमम कितना है 25। कब? जब आपने मासेस को बराबर बराबर डिवाइड किया। सही है यहां तक? तो एक शॉर्टकट बन गया कि कैपिटल एम को अगर आपने डिवाइड करना है दो हिस्सों में, तो आप क्या करोगे, m/2 and m/2। तो स्मॉल एम एक हिस्सा है, स्मॉल एम क्या होगा m/2, जो स्मॉल एम जो टूटा हुआ हिस्सा है उसका मास क्या होगा, बड़े हिस्से डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि m और कैपिटल m की रेशियो क्या आएगी, 1:2 आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि 1:2 क्यों? ठीक है, तो बराबर बराबर तोड़ेंगे तो स्मॉल एम एक टुकड़ा क्या होगा, पूरे का डिवाइड बाय 2। तो यही ये क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा कैलकुलस बेस्ड है, करना है कर लो, नहीं तो आपका आंसर तो आ ही चुका है, आंसर पता लग ही चुका आपको, वो इजी तरीका था मेथड 1 में से। तो बुक्स ऐसे करती हैं कि मान लो कैपिटल एम को दो हिस्सों में तोड़ लिया, छोटा एम और एक एम माइनस एम, इनके बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, जी एम एम माइनस एम बाय आर स्क्वायर। फोर्स को क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमा क्या कहता है, इसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो पुट कर दो। और ऐसा करने के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जो निकालना है क्या निकालना है, मास निकालना है, तो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल स्मॉल एम डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू जीरो। फोर्स की जगह पूरी की पूरी वैल्यू पुट करो, आर गया जीरो से कट गया, जी जीरो से कट गया, तो ये टर्म बच गई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, ये टर्म क्या है 1 और ये 2m, तो डिफ्रेंशिएट करके आंसर 1:2। पर मेरे को लगता है ये मेथड की जगह पहला मेथड ज़्यादा बेटर नहीं था। अब पहला भी छोड़ो दूसरा भी छोड़ो, अपने शॉर्टकट ही याद हो गया कि आधा आधा डिवाइड करना है डन, अपने को दोनों नहीं करने की जरूरत, याद ही होगा जब आंसर, ठीक है यहाँ तक। पर वैसे बता रहा हूँ जब आप बुक्स करेंगे तो किताब में ऐसा सॉल्व करेगा, अब लेके आएंगे तो ये देखो क्या कर रहा है, जरूरत नहीं है, आधा आधा डिवाइड कर दो डन। क्वेश्चन है दो मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं एम एंड एम, और एक दूसरे के आसपास सर्कल में घूम रहे हैं, और वी वेलोसिटी है इनकी। सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपेटल, दोनों को चाहिए, और कौन प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपेटल, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में है और ये दो पार्टिकल घूमते जा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी, ग्रेविटेशन, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। देखो क्या होगा, ये छोटा एम इसे खींचेगा बाय फोर्स ऑफ एफ, ये छोटा एम इसे खींचेगा बाय फोर्स ऑफ एफ, है ना, अट्रैक्ट तो करेंगे ही करेंगे, जब ये अट्रैक्ट करेंगे और वी इनके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी है,
तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है दोनों की कहां एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स दी सेंटर। तो आप कोई भी एक पार्टिकल ले लें, मान लो ये पार्टिकल ले लें, इस पार्टिकल के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इस पार्टिकल के लिए जो फोर्स होगी एफ वो सेंट्रिपिटल फोर्स है, ठीक है। और एक बात बताओ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एफ की वैल्यू होती क्या है, जी एम एम डिवाइडेड बाई 2R का स्क्वायर, ऐसे होगा ना, जी एम वन एम टू बाई 2R का स्क्वायर। तो जी एम वन एम टू बाई 2R का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर बाय 2R नहीं, कितने रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल, आर। और ग्रेविटेशन फोर्स की कैलकुलेशन में 2R, क्योंकि दो पार्टिकल में दूरी कितनी है 2R। ये स्टेप समझ में आया, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, जी एम वन एम टू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दो पार्टिकल में डिस्टेंस कितना है 2R, राइट। और सेंट्रिपिटल में क्या लेना होता है, सिर्फ रेडियस। तो ये देखो, यही किया इसमें, ये रहा आपका जी एम एम बाई 2R का स्क्वायर, ये रहा, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक पार्टिकल को क्या दे रहा है ये, सेंट्रिपिटल। आर से आर कैंसिल, सॉल्व करके वी निकाल देना आंसर। मेथड समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन यहाँ पर रेडियस में होती है, जब ग्रेविटेशनल पुल निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस लेना पड़ेगा 2R, जब सेंट्रिपिटल निकालोगे तो सिर्फ 1R, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये गिवन है, आपके पास अर्थ है, अर्थ की डेंसिटी रो है और रेडियस आर है। आपने क्या किया, एक एक दो मासेस को वे किया, एक तराजू ले लिया है ना, बैलेंस ले लिया, और मास दोनों में एम और एम रखे, इंपॉर्टेंट है ध्यान आगे, तोल रहे हैं एम और एम रखे। अगर मैं अभी किसी चीज को तोलता हूं एम और एम मास, तो वेट भी सेम होगा, एम जी, तो बराबर लेवल बराबर होगा बैलेंस का। लेकिन वो कह रहा है कि यहां पर बराबर नहीं है, यहां पर एम मास एक मास नीचे रह गया, एक ऊपर रह गया, एक सरफेस से एच टू हाइट पर है, एक सरफेस की एच वन हाइट पर है, और गिवन है एच वन माइनस एच टू की वैल्यू, क्वेश्चन में एच गिवन है, मतलब डिफरेंस है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, डिफरेंस क्यों है, ऐसा कैसे, डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये हाइट छोटी मोटी नहीं है, तराजू बहुत बड़ा है, कई सौ किलोमीटर का है, ये वो नहीं है कि रेडी पे गए और सेब तोल दे, इतना छोटा नहीं है, ये है कई सौ, मतलब कि जैसे एक रख दिया 400 किलोमीटर पे, एक रख दिया 300 किलोमीटर पे, तो ऐसा करने में क्या हुआ, जी चेंज हो गया। अब जी चेंज हो गया तो वेट ही चेंज हो गया, एक एम इंटू जी वन वेट हो गया, एक एम इंटू जी टू वेट हो गया, तो बराबर कहां से आएगा, एक भारी होगा और एक हल्का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो वो कह रहा है कि जो इसमें डिफरेंस इन वेट क्या होगा ये निकाल लो, वेट का डिफरेंस निकालना है। वैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो कहेगा कि डेंसिटी की फॉर्म में निकाल लो, आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा पेपर में ऐसा, तो डेंसिटी की फॉर्म में निकालना है, कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ो, आप बस मुझे ये बताओ कि यहां पर वेट क्या होगा एम जी टू, यहां पर वेट क्या होगा एम जी वन, हमने ये निकालना है। पॉइंट नंबर वन क्लियर, जी वन जी टू की वैल्यू क्या होगी, हाइट का फॉर्मूला लगाओ, हाइट से जी कैसे चेंज होता है, वन माइनस टू एच टू बाई आर, जी वन की जगह वन माइनस टू एच वन बाई आर, क्या ये स्टेप क्लियर है, दूसरा स्टेप भी क्लियर है, इन्हें ओपन कर लो, वन से वन कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आ गई, एच वन माइनस एच टू क्या गिवन है एच, तो ये आंसर आ गया, क्लियर है यहां तक। अब इसके अंदर ये आंसर आ गया, स्मॉल जी को लिख सकते हैं जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, आज का पहला एक्सप्रेशन था, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैपिटल जी की फॉर्म में कैसे लिखना है, कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, वेयर इसके अंदर जो मास होता है वो हमेशा वो बॉडी का मास नहीं है, वो किसका मास होता है, अर्थ का मास होता है, और आपको डेंसिटी ऑफ अर्थ की फॉर्म में आंसर लिखना है, तो आप मास ऑफ अर्थ को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, बस सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिस है, ये फर्स्ट टाइम में होगा नहीं, ना कर रखा हो तो नहीं होगा, एक बार जस्ट देखने आपको कि कैलकुलेशन कैसे कर, कौन सा आइडिया कैसे लगेगा, देखो ये नजदीक है अर्थ के, यहाँ ग्रेविटी बड़ी होगी ना, वेट बड़ा होगा, ये ऊपर है ना, जी कम होगा ना, तो वेट कम होगा, तो इसलिए एम जी टू माइनस एम जी वन, नाइनटी नाइन परसेंट वन माइनस टू एच बाई आर ही लगता है, वो लगता नहीं वैसे, पहला यही लगाना होता है, मतलब इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, उस पर आते नहीं है, ठीक है, यहाँ तक शॉर्टकट भी आते हैं, मतलब पता होता है क्योंकि वो बहुत लंबा कैलकुलेशन देता है ना, ये छोटी कैलकुलेशन था, छोटी क्या, इसमें तो बहुत बड़ी होगी, उसको सॉल्व कैसे करोगे, फिर आंसर नहीं आएगा, सच बताऊं तो प्रैक्टिस ही पता लगेगा,
लास्ट टाइम लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंग्लो मोमेंटम किया था, याद करो, अर्थ घूम रही है सन के आसपास। तो क्वेश्चन ये है, अर्थ घूम रही है सन के आसपास, तो अर्थ का यहाँ पे डिस्टेंस मैक्सिमम है आर मैक्स, और यहाँ पर डिस्टेंस मिनिमम है आर मिनिमम, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है और यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। हमने लास्ट टाइम किया था कि किसी भी जो अर्थ है उसके लिए इट्स अ पॉइंट मास, एम इंटू वी इंटू आर इज अ कॉन्स्टेंट करवाया था ना, या v into r इज अ कॉन्स्टेंट करवाया था, जब r मैक्स होगा तो v वहां पर मिनिमम होगा, किया था लास्ट टाइम, ठीक। तो जब r मैक्स होगा तो v यहां पर मिनिमम होगा, जब r मिनिमम होगा v यहां पर मैक्स होगा। तभी तो बताया था कि सेटेलाइट को या किसी चीज को फेंकना है तो यहां पर फेंकना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम v यहां पर क्या होता है, अर्थ का मैक्सिमम, ठीक है यहां तक। अब वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि अर्थ अगर घूम रही है तो ओमेगा मैक्स क्या होगा, वी मैक्स नहीं ओमेगा मैक्स क्या होगा। जो मुझे ये आता है, मुझे यही आता है एम वी आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो अर्थ का मास इनटू वी मिनिमम जब आर मैक्सिमम है, लास्ट टाइम किया था, जब आर मैक्स है वी मिनिमम है, और आर मिनिमम है तो वी मैक्सिमम है। बस आपको तो उसमें वी पूछा ही नहीं, आपको ओमेगा पूछा, कोई बात नहीं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा दो। तो वी मिनिमम जब लगाओगे, वी मिनिमम तो आर क्या पुट करोगे, मैक्सिमम, तो इसलिए वी मिनिमम में आर ओमेगा में, आर मैक्स तो ओमेगा मिनिमम। ये पॉइंट समझ में आया, क्या किया मैंने, मैंने इसमें ये कहा कि जब मैं वी मिनिमम में आर ओमेगा लगाऊंगा, वी मिनिमम कब होगा, जब आर, और जब वी मिनिमम है तो ओमेगा तो वैसे ही मिनिमम है, ऐसी वी मैक्स में आर ओमेगा में वी मैक्स कब होगा, जब आर मिनिमम और वी ओमेगा मैक्स। तो यहां से सॉल्व करके ओमेगा मैक्स आ जाएगा। वैसे एक बात बताऊं, ये मेथड मत यूज करो, ये कर लो मेथड टू, ज्यादा इंपॉर्टेंट कर लो, इंपॉर्टेंट लिख लो, आप लगाओ मत एम वी आर कॉन्स्टेंट, आप लगा लो आई वन ओमेगा वन इज आई टू ओमेगा टू, बेस्ट है। अर्थ जब पी पॉइंट पे है तो बोलो आई इज अ पॉइंट मास, क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वेयर, पी पॉइंट पे एम आर स्क्वेयर आर मैक्स, क्लियर है, और ओमेगा यहां पर मिनिमम, और इस पॉइंट पर आई क्या होगा, एम आर मिनिमम स्क्वायर, ओमेगा क्या होगा, लो आंसर आ गया। ज्यादा आसान नहीं है, तो आपको एक शॉर्टकट बताऊं, अगर किसी न्यूमेरिकल में ओमेगा पूछे, अर्थ घूम रही और ओमेगा पूछे, फिर तो लगाना ये फॉर्मूला, और अगर कोई न्यूमेरिकल वी पे आई तो फिर लगाना ये फॉर्मूला, बस बेस्ट है। समझ में आ रहा है यहां तक, एम वी आर लगाना है जब वी पूछे, ओमेगा जब पूछे तो आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू, क्या ये पॉइंट क्लियर है। ये भी क्वेश्चन के अंदर आता है, ओमेगा निकालो, अर्थ का घूमने का ओमेगा निकालो, कहां पर, इक्वेटर पर, सच दैट इक्वेटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते जीरो हो जाए। अब इक्वेटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैटिट्यूड में फॉर्मूला किया था, ये फॉर्मूला था, और लैटिट्यूड इक्वेटर के लिए क्या होता है, जीरो, ऐसी था लैटिट्यूड लैम्डा क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन, इक्वेटर पर वैल्यू आ गई, लगा लिया फॉर्मूला लैटिट्यूड का, कॉस जीरो वन, वो क्या कह रहा है, इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो पुट कर दिया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया, जी पता है, आर पता है, आंसर आ गया। तो पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक।